कर रही हो तुम? I'm so sorry यार, मुझे लगा आप कोई और हैं। आंखें नहीं है तुम्हारे पास या देखकर चलना नहीं आता? और पागलखाने से अभी भी भाग कर आई हो क्या? और ये स्लीवलेस ड्रेस पहन के कोई मंदिर आता है क्या? Excuse me, तुम समझती क्या हो अपने आप को? औकात क्या है तुम्हारी? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? दो मिनट में तुम्हें जेल में बंद करवा सकती हूँ इसके लिए। Now get out of my way। बिल्कुल पागल है यार। Stupid woman, समझती क्या है अपने आप को? Oh my God, this is disgusting. आप ठीक हो? I'm fine. निवी तुम यहाँ पर? हाथ दो मुझे ना, हाथ दो। एक मिनट रवि। कम दिसे। मिस तूत्रा आप वहाँ पर क्या कर रही थी? और किचन में कैसे गिर गई यार? वो एक स्टूपिड लड़की की वजह से हुआ ये सब। नेवर माइंड, उसकी वजह से मैं किचन में गिर गई और मेरा ये my favorite clutch and my shoes, Ravi. I'm telling you, I'm so irritated. Ravi? Ravi? कहाँ खो गए तुम? चले यहाँ से, बहुत देर हो गई है वैसे भी। चलो। हेलो, सुनो मेरी, सुनिए। आखिर वो लड़की थी कौन? और उसने पलट कर मेरी तरफ देखा क्यों नहीं? रवि, आप क्या हुआ बेटा? बताओ मुझे क्या हुआ? रवि, रवि था वहां पर, माँ, रवि था वहां पर, एकदम मेरे पीछे। वो अपने और निवेदिता लूथरा की एंगेजमेंट कार्ड को अम्मे माँ के चरणों में चढ़ाने आया था आशीर्वाद मांगने के लिए। मैं अपनी सगाई का कार्ड लेकर आया हूँ यहाँ पर ताकि आप माता रानी के चरणों में रख सको और मुझे उनका आशीर्वाद मिले। माँ, मैं उसे देखना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी उसे एक बार, लेकिन मैंने देखा नहीं। संभाला अपने आप को, अपने आप से कहा कि नहीं, मुझे वहां से जाना होगा। से भाग आई, लेकिन पता नहीं कैसे माँ, पता नहीं कैसे अचानक मेरे दुपट्टे में आग लग गई। देखो ये देखो। सुनो, अरे मेरी बात सुनो एक मिनट। मुझे लगा जैसे कि उसने मुझे देख लिया है और मैं बस वहां से भागना चाहती थी, लेकिन उसने मेरे दुपट्टे की आग बुझाई। आपको दिखाई नहीं दे रहा दुपट्टे में आग लगी पड़ी है? अरे आप सुन क्यों नहीं रही? तुमसे बात कर रहा हूं मैं, ध्यान क्या है तुम्हारा? कब से तुम्हें पुकार रहा हूं मैं कि सुनो सुनो सुनो, और मुझे डांटने लगा, मुझसे कहने लगा कि मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती, मुझसे कहने लगा कि मैं लापरवाह हूं। उसको क्या हक बनता है मुझसे ये सब कहने का? मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे देखे और इसीलिए बस मैं वहां से भाग गई। उन लोगों की इतनी हिम्मत कि वो लोग माता रानी का आशीर्वाद लेने आए? ऐसे बुरे काम करने वालों पर माता रानी की कभी कृपा नहीं हुई और ना ही कभी होगी। अंबिका, आज तुम्हारा संकल्प और रवि का स्वार्थ माता रानी के मंदिर में टकराया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आज से हमारी लड़ाई शुरू हो चुकी है अंबिका। माँ नहीं, वो होता कौन है मुझे डांटने वाला, मुझ पर चिल्लाने वाला, मुझसे कहने वाला कि मैं केयरलेस हूँ? होता कौन है वो? तब उसे मेरी याद नहीं आई, तब मेरा ख्याल नहीं आया, जब उसने मुझे मारने की कोशिश की, जब मुझे धोखा दिया, तब मेरी परवाह नहीं हुई, जब हमारे रिश्ते को तोड़ दिया, जब उन सब लोगों ने मिलके मुझे इस पहाड़ी से धकेला, तब याद नहीं आई उसको मेरी, तब नहीं सोचा उसने कि मेरे ऊपर क्या बीतेगी, उसके धोखे को देखकर मर जाऊंगी मैं। और आज हाँ जरा सा बचा के अरे मुझे सुना रहा था वो। मैंने तो हमेशा उसकी खुशी के बारे में सोचा है, लेकिन उसने मेरी खुशियों को एक पल में खत्म कर दिया,
एक पल में मेरी सारी खुशियां कुचल कर चला गया और आज मुझे कहता है कि मैं अपना ख्याल नहीं रखती, मैं अपना ख्याल रखूं या ना रखूं मेरी मर्जी है। वो होता कौन है मुझसे कहने वाला, मुझे ज्ञान देने वाला होता कौन है माँ, वो होता कौन है? बस बेटा बस शांत हो जाओ। देखो जो हो चुका उसके बारे में इतना मत सोचो कि जो होने वाला है उस पर से तुम्हारा ध्यान हट जाए। ऐसे तो कई मौके आएंगे जब रवि और निवेदिता तुम्हारे सामने होंगे और उस वक्त हालात और भी खराब होंगे, लेकिन बेटा अपने जज्बातों को हालात पर हावी होने मत देना, खुद को स्ट्रॉन्ग करो। वैसे अच्छा ही हुआ जो वो तुम्हें यही मिल गया, जो झटका लगना था वो लग गया। अब दोबारा उसे देखोगी तो दर्द कम होगा। वैसे माता रानी के भी खेल निराले हैं, जो करती है अच्छे के लिए ही करती है। अब सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान दो, कल हमारा उन पर पहला वार होगा। अब झटका खाने की बारी उनकी है, उन्हें भी तो पता चले कि दर्द क्या होता है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही है, आप बिल्कुल सही कह रही है, उसे भी तो पता चले कि दर्द क्या होता है, क्योंकि उसने मुझे तो इतना दर्द दिया है कि मेरी बर्दाश्त से भी बाहर था। माँ एक एक पल मैंने कैसे बिताया है ना, सिर्फ आप और मैं जानते हैं, उसको अंदाजा नहीं है। लेकिन अब होगा, उसको मैं उसकी हर किए की सजा दूंगी, क्योंकि उसने उस देविका को मार डाला जो उससे इतना प्यार करती थी, सिर्फ उसके बारे में सोचती थी, उस देविका को उसने मार डाला ना। और अब आपकी ये बेटी अंबिका ये उससे प्यार नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ नफरत करती है, और इसीलिए अब उस देविका का बदला मैं लूंगी। अंबिका नहीं, मैं सब संभालूंगा। गुड इवनिंग। ओ स्टूपिड, कहाँ रह गई? हो ज्योति सुन, मुझे ना चाय नहीं चाहिए, मुझे ना मेरा फेवरेट कैनबेरी जूस चाहिए। वॉचमैन की ना तो मैं बैंड बजा दूंगी, जब देखो जब दरवाजा खुला छोड़ देता है। ए मैडम जी, आप, मैंने ना आपको देखा नहीं, वैसे नया मेकअप है ना आपका, इसमें भी बहुत अच्छी लग रही हैं आप। गुड गुड है जी, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है जी। ये क्या हो गया जी आपको, आप क्या कर लिया आपने, आप कहाँ, क्या हो गया जी जी? जी आप लोग ऐसे आग फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हैं, तुम्हारे पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? और तुम नौकरानी हो तो अपनी औकात में रहो, जाओ जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। ज्योति पप्पी बाबा को भी लेके जाओ मुझे। और तुम कमर सेक ली बैठे बैठे, जाओ जाकर मेरे लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, जाओ अभी लाए। जी आप गुस्सा ना करो जी, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। ओ कितनी चोट लगी है जी। पर आपके मुंह पर कीचड़ लगा कैसे? ओ श्वेता कितना क्वेश्चन आस्किंग। मिस लूथरा जी हम हेल्प कर देते जी, लाओ जी मैं साफ कर दूं जी। खबरदार जो मुझे हाथ लगाए तो। ओ जी मैं सफाई कर देती हूँ थोड़ी, उसके लिए तो थोड़ा सा टच करना पड़ेगा जी मुझको, लाओ जी लाओ। हाय 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 इतनी बड़ी चोट लगी है जी मुझे, आपके चोट देख के तो मेरे हाथों में दर्द शुरू हो गया जी। आप दो मिनट चुप नहीं बैठ सकती क्या ड्रेसिंग करते वक्त? चोट तो कुछ भी नहीं है, जो आज मैंने देखा ना मंदिर में, अगर आप लोगों ने देखा होता तो आप सबके होश उड़ जाते। ऐसा क्या देख लिया आपने? देविका, होश उड़ गए ना आप सबके, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, वो देविका नहीं थी, मेरा ख्याल था, मुझे लगा वो देविका थी पर वो कोई और निकली। ये चक्कर क्या है, ये निवी मैडम, मंजू आंटी, श्वेता भाभी,
देविका का नाम सुनते ही सबकी हवा क्यों टाइट हो जाती है? जरूर कोई बहुत बड़ा राज है इनके डर के पीछे। मुझे ना ये बात बड़ी अजीब सी लग रही है। अरे जिस लड़की का आपको धोखा हुआ, अगर वो देविका निकली, चाची अगर वो वापस आ गई तो? आपने अपना हुलिया देखा है? आज तो आपके मुंह पर कीचड़ लगा है। अगर वो वापस आ गई, हमारे मुंह पर कालक लग जानी है। शट अप, बंद करो अपनी बकवास। ऐसा नहीं हो सकता। देविका मर चुकी है, अंडरस्टैंड? वो मर चुकी है, मैंने उसे अपनी आंखों से मरते हुए देखा है। वापस नहीं आ सकती वो, मैंने तो खुद उसे धक्का। क्या कर रही है? रवि पुत्र, आजा पुत्र, आजा। क्या हुआ पुत्र, बड़ा थका थका लग रहा है? तो भूख लगी होगी ना? और ज्योति, चल खाना लेकर आ कुछ रवि पुत्र के लिए। जा लगा दे, ले फट। ऐसा करो जी, आप भी चलो कपड़े पड़े बदल लो, थोड़ा आराम कर लो। चलो मैं लेके चलती हूँ, मैं लेके जाती हूँ उनको। आ जाओ जी रामलाल, हाँ रामलाल, आ जाओ जी, आ जाओ। रवि चल खाना खा लेते। ये मोंटी आया? नहीं भाई, इतनी जल्दी नहीं लौटता वो, बहुत मेहनत कर रहा है ना। और तू तो जानता है आजकल काम ही सब कुछ है उसके लिए। आओ खाना खाते साथ में। चलो जी आप जल्दी से कपड़े बदल लो। बहुत ताकत आ गई है क्या आप में? पिंच करने की क्या जरूरत थी? इशारे से भी तो बता सकती थी कि रवि आ गया, चुप हो जाओ। लेकिन नहीं, और उसी हाथ में पिंच किया जिसमें मुझे चोट लगी है। आपकी वजह से दर्द हो रहा है मुझे। जी जी, बहुत ही बड़ा वाला सॉरी है जी। मैं तो आपको तकलीफ पहुंचाना ही नहीं चाहती थी। आप तो मेरी बहू बनने वाले हो, मैं तो अपनी बेटी के जैसे प्यार करती हूँ आपको। लेकिन जी मैं एक बात बता दूं आपको, मैंने ना आपको बहुत बड़े दुख से बचाया है आज। क्या मतलब? क्या मतलब जी क्या? कुछ आप तो सब कुछ कहने वाले थे रवि के सामने। कुछ रवि सुन लेता तब तो गजब ही हो जाता ना। वो नफरत करनी थी उसने जी आपसे, घर छोड़ के चले जाना था। फिर इससे बड़ा कोई दर्द होता जी आपके लिए? देखो जी, मैं आपके दिल का हाल समझती हूँ, लेकिन जी वो क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए ना आपको भी अपने ऊपर। वो जो उसने सुन लेना था तो हम सबको फांसी का फंदा चढ़ जाना था। और फिर समझा करो जी पुत्र आप। ठीक है, ध्यान रखूंगी आगे से। लेकिन आप भी घर में सबसे कह दीजिए, मैं देविका का नाम इस घर में नहीं सुनना चाहती। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो मैं पक्का बोल दूंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करो। लेकिन पुत्र जी आप ना जरा वो थोड़ी सी स्माइल दे दो। चलो जी, मेरे लिए नहीं तो रवि के लिए है जी, है जी, है जी, एक बारी। शाबाशी जी, शाबाशी। अब जी आपको ना अपनी ये जो स्माइल है ना, इसको प्रेस वालों के सामने भी ऐसे ही बरकरार रखना है, और उसके बाद कल सगाई तक इसको ऐसे ही बनाए रखना है जी। ठीक है, कोशिश करूंगी। लेकिन आप नहीं समझ सकती आंटी जी, मैं जब भी देविका का नाम सुनती हूँ ना, आग लग जाती है मेरे दिल में। और ये मेरी सगाई का कार्ड है, मैं चाहता हूँ कि आप ये कार्ड माता रानी के चरणों में रख दो, ताकि हमें उनका आशीर्वाद मिल सके। सुनो, अरे मेरी बात सुनो एक मिनट। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि दुपट्टे में आग लगी पड़ी है? ये क्या हो गया है मुझे? ये क्या कर रही हूं मैं फिर से कमजोर नहीं पड़ सकती। मैं क्यों बार बार उन्हीं यादों में चली जाती हूँ जिन्होंने मुझे इतना दुख दिया है? क्यों बार बार उन्हीं लोगों के बारे में सोचती हूँ जिन्होंने मुझे सिर्फ धोखा दिया है? क्यों? माँ ने मेरी इतनी हिम्मत बढ़ाई है, मेरा इतना साथ दे रही है, वो मुझे भी अपना साथ देना होगा। अगर यूं मैं कमजोर पड़ गई ना तो सब खराब हो जाएगा। ये मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, सब पर कंट्रोल करना होगा मुझे, क्योंकि कल जो मैं करने जा रही हूँ वो आसान नहीं होगा मेरे लिए। मुझे एक ऐसे इंसान से बदला लेना है जिससे मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहा है, जिससे कभी मैंने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है, जिसकी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकती थी मैं। उसी इंसान को दर्द देना, उसे चोट पहुंचाना सीखना होगा मुझे, क्योंकि वो इसी लायक है। उसने मेरे साथ धोखा किया, मेरे प्यार के साथ धोखा किया, हमारे रिश्ते को तोड़ दिया। वो इसी लायक है और मैं ये करूंगी। मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी अब।
कल का दिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है और कल मैं उसके सामने वो पहले वाली हाथ उभारने वाली बेवकूफ देविका नहीं, एक नई अंबिका बनके जाऊंगी जिसको उसके आंसू उसके चोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत नकली आंसू बहाए हैं ना रवि ने मेरे सामने और मैं पिघल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब वो असली आंसू बहाएगा लेकिन मुझे उस पर तरस नहीं आएगा, एक पल के लिए भी नहीं, क्योंकि अब मैं वो बेवकूफ देविका नहीं हूं, अब मैं अंबिका हूं जिसके मन में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। रवि, तुमने मेरे सच्चे प्यार का अपमान किया है, हमारे रिश्ते को तोड़ा है और इसीलिए अब तुम्हें सजा देकर ही रहूंगी मैं। अब देविका का बदला ये अंबिका लेगी। देविका, इस दुनिया की हर सच्चाई की कसम खाकर कहती हूँ रवि कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों को वो चीज बहुत खुशी देगी, हमारे बच्चे। देविका, आज भी तुम्हारी बहुत याद आती है, बहुत सा आज भी तुम्हारी यादें आंसू बनकर मेरी आंखों से बहते हैं। आज भी ये दिल एक मिनट में 72 बार धड़कता और सिर्फ तुम्हारा नाम लेता, लेकिन आज कई महीनों के बाद माता रानी के मंदिर में ऐसा लगा जैसे जैसे मेरी धड़कनों की रफ्तार बढ़ गई, ऐसा लगा जैसे कहीं तुम मेरे आसपास मेरे बारे में बात कर रही हो, मेरा नाम ने रवि का नाम ले। देखा, मैं नहीं जानता कि तुम कहां पर, सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम जहां पर भी खुश रहो। इस मुस्कुराहट को देखकर मैं अपने दिन की शुरुआत करता था, उसे अपने चेहरे पर बनाकर रखूं। देविका, कल का दिन मेरे लिए बहुत खास है, जानती हो क्यों? क्योंकि सगाई से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस गरीब बच्चों के स्कूल और अनाथ आश्रम की नींव रखी जाएगी और जब पूरी मीडिया के जरिए दुनिया को ये मालूम हो जाएगा तो ये काम कभी नहीं रुक सकता और मैं रुकने भी नहीं दूंगा। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा देविका, ताकि तुम्हारा सपना पूरा हो जाए। देविका, तुमसे किया हुआ वादा मैं पूरा करूंगा कि मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं और जो लोग सच्ची मोहब्बत में वादा करते उसे पूरा करते, मैं पूरा करूंगा देविका, तुमसे किया हुआ वादा मैं पूरा करूंगा। देविका, मैं ये सगाई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ताकि तुम्हारा और तुम्हारी माँ का सपना पूरा कर सकूं। इसके पीछे और कोई वजह नहीं, मेरी जिंदगी में कोई और जगह नहीं ले सकता देविका तुम्हारे सिवा, कोई और नहीं आ सकता। ये शरीर तो उसी दिन नाश बन गया था जिस दिन तुम मुझे छोड़कर गए, कि तुम्हारी यादों को, तुम्हारे साथ बिताए हुए पलों को, तुम्हारी मोहब्बत को मैंने दिल में समेट के रखा, इसलिए मेरा दिल आज भी जिंदा तुम्हारे लिए धड़कता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता, बहुत ज्यादा। तुम देखना, मैं उस जमीन पर तुम्हारा स्टैचू बनवा, ताकि हर पल मैं तुम्हें वहां पर महसूस कर सकूं, हर पल।